जनपद बिजनौर के किरतपुर कस्बे के मोहल्ला सराय अम्मा की रहने वाली गर्भवती महिला फरहीन पत्नी वसीम जो की प्रसव पीड़ा होने के कारण दर्द से बिलबिला रही थी। एम्बुलेंस की हड़ताल होने के कारण उनको कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तभी कुछ समय बाद वहां से गुजर रही पुलिस की गाड़ी में बैठे कांस्टेबल संजीव निगम ने महिला को बिलबिलाते देख वह परिजनों को परेशान हालत में देखकर अपनी गाड़ी रोकी और महिला के परिजनों से जानकारी ली तो परिजनों ने बताया कि फरहीन गर्भवती महिला है और उनको प्रसव पीड़ा हो रही है और किंतु सामुदायिक केंद्र द्वारा प्रातः सुबह लगभग 2 बजे महिला की डिलीवरी करने से मना कर दिया है और कहा कि तुम किसी भी निजी अस्पताल में ले जाकर डिलीवरी करा लो, परंतु निजी अस्पताल में गर्भवती महिला को ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कांस्टेबल संजीव निगम ने गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा को देखते हुए खुद एक निजी अस्पताल में सुरक्षित पहुंचाया, जहां पर महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुलिस द्वारा की गई इस मदद की नगर व आसपास के क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है और महिला के परिजनों ने संजीव निगम का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि वे उनके परिवार के लिए फरिश्ते की तरह आए और उनकी मदद की और कहा कि यदि वे हमारे समय पर मदद न करते तो शायद कोई बड़ी अनहोनी गर्भवती महिला के साथ हो सकती थी। उनका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस पूरे मामले पर एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने संजीव निगम द्वारा किए गए इस कार्य की प्रशंसा की और बताया कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और पुलिस के क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है और कहा कि उस सिपाही को वहां के थाना प्रभारी को इसके लिए प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम दिया जाएगा। ये स्टेशन चौराहे पे ये महिला खड़ी हुई थी, मतलब ज्यादा परेशान थी, दर्द हो रहे थे प्रसव पीड़ा के, तो मेरे द्वारा पूछा गया कि आप लोग कैसे खड़े हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें प्रसव पीड़ा का दर्द हो रहा है, तो मेरे द्वारा अनंत फनन में तुरंत ही इसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ पर उनके लिए एक बेटी पैदा हुई है, बेटी और उसकी माँ दोनों ही ठीक है। और हमारे परिवार निरीक्षक महोदय द्वारा भी हमें बार बार मीटिंग लेकर ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप पब्लिक के प्रति पुलिस की एक छवि स्पष्ट रूप से अच्छी लाएँ, और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी द्वारा दिशा निर्देश हमको दिए जाते हैं। तो आपको जैसे आपने मदद की एक जो जिनको मदद नहीं मिली सरकार अस्पताल द्वारा तक उनको मदद नहीं मिल पाई, आपने उनकी मदद की, उनको एक बच्ची को उन्होंने जन्म दिया, आपको कैसा महसूस हुआ? हमें दर्द सा महसूस हो रहा है ये कार्य करने से, और ये हमारी एक पुलिस विभाग की एक अच्छी छवि गई है हमारे क्षेत्र में, और मैं चाहता हूँ कि सभी पुलिसकर्मी हमारे साथी भाई जो है सभी लोगों की मदद करें जिससे कि हमारी छवि अलग प्रकार से पब्लिक के बीच में जाए। तो आप पब्लिक को मतलब कि पुलिस के प्रति क्या क्या संदेश देना चाहते हो कि वो किस तरह आपसे क्या क्या उम्मीदें रखें आपसे सभी? मैं अपने पुलिस विभाग को ये नहीं, जो पब्लिक है आप क्या चाहते हो, पब्लिक आपसे किस तरह की उम्मीद रखे? जैसे कि पब्लिक को लगता है कि पुलिस मदद नहीं करती है, परेशानी नहीं समझती है, तो आप पुलिस के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हो पब्लिक को? पब्लिक के लिए मेरा यही संदेश है कि पुलिस आपके लिए बनी है, हम लोग 200-300 किलोमीटर दूर से बैठे हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपकी हर समय हम लोग मदद करेंगे और मदद करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। स्टेशन चौराहे पे वहाँ पे आके ये थोड़े पीछे थे हमसे, तो मैं अच्छा। इनको देख के मैंने देखा तो पीछे मुड़ के फिर, लेकिन ये थोड़े दूर थे हमसे, तो हमने पुलिस वालों को मतलब मैं बोली मैंने थोड़े थोड़े सर इनसे मिलेगी हमें मदद, बाकी जब तक मतलब कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो उसके बाद में जब हम आगे को चले तो ये बेचारा बहुत काफी दूर से हमें खड़े हुए देख के लौट आए। अच्छा, पुलिस खुद आपके पास आई? पुलिस हमारा खुद पास, ये बड़ी बात है, पुलिस आपके पास खुद आई है। काफी दूर था ये, मतलब जैसे कि 10-20 कदम पीछे थे हमसे, लेकिन जब भी ये हमारे पास आया आकर उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हो, मैंने जी ऐसे से बात है कि आप कोई सवारी नहीं मिल रही मैंने जी, नहीं कि ये मतलब कोई गाड़ी वगैरह या कुछ नहीं है, मैंने जी हमारा भाई तो गरीब है इसलिए क्या नाम कोई सवारी का भी साधन नहीं हमारे पास, तो कैसे उन्होंने बेचारों ने फोन लगाया जहां जहां भी लगाया सवारी की वजह से हमें कि कहाँ जाना चाहती हो आप, मना जी हमें हॉस्पिटल में तो मना कर दिया, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस को मना जी उन्होंने बिल्कुल हमें मदद को मना कर दिया, तो हम इसलिए वहाँ पे चलने लगे, इसलिए हम पैदल पैदल यहाँ आ गए कि वहाँ कोई सवारी मिलेगी, यहाँ भी कोई सवारी नहीं है। फिर भी इसके बाद में हम इन्होंने बेचारों ने जाना कहाँ कहाँ फोन किया, फिर वो जीप जो होती है पुलिस की गाड़ी वो बुलवाई, जब ये बेचारे हमें वहाँ छोड़ गए हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ खड़े भी रहे ये, और खड़े होने के बाद में इन्होंने दिखलवाया के मतलब खतरे में है या जहाँ कहीं भी लेके जाना होगा आगे तो हम लेके जाएंगे, हम मदद करेंगे, इन्होंने बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से सारा काम किए। तो जैसे हम हॉस्पिटल से निकले थे कि भाई अल्लाह ही मालिक है अब, तो आपको लगता है कि पुलिस वाले आपके लिए फरिश्ते की तरह है? हकीकत बात है, एक फरिश्ते ही बनकर आए, बाकी हम तो खड़े थे कोई चीज नहीं मिली हमें बिल्कुल। तो जिस तरह पब्लिक में वो रहता है बात बनी हुई होती है कि पुलिस मदद नहीं करती है, पुलिस परेशानी नहीं समझ, वहाँ भी हॉस्पिटल में भी ये कह रहा था कि पुलिस वाले भी बहुत मदद करते हैं, सब एक से नहीं रहते, लेकिन हमारी बहुत मदद करी। तो इसमें तो कौन ये कांस्टेबल निगम पुलिसकर्मी ने गर्भवती महिला
महिला को हॉस्पिटल में पहुंचाया जिससे महिला की जान बची। क्या कहना है आपको? जनपद बिजनौर के किरतपुर कस्बे का मामला है जहां पर एक प्रसव पीड़ा से एक महिला दिक्कत में थी। उसकी परिजनों ने एम्बुलेंस को, कंट्रोल रूम को, पुलिस को सबको सूचना दिया। स्थानीय सिपाही जो संजीव है वो आनंद फानन में वाहन से तत्काल उस प्रसव पीड़िता को अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने भी इसको बताया कि अगर देर होता तो इसको दिक्कत हो सकती थी। आज की डेट में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, घर वाले प्रसन्न हैं। इस कार्य की स्थानीय लोगों द्वारा प्रशंसा किया जा रहा है और उस सिपाही को, वहाँ के थाना प्रभारी को इसके लिए प्रशस्ति पत्र एवं नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा।